नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो बेरियाट्रिक सर्जरी से घबराते हैं और उनके पास वेट लॉस के लिए और कोई मेजर सोल्यूशन नहीं है, यानी वो पेशेंट जिनका BMI ज़्यादा है, स्पेशली BMI 30 प्लस है, जो और किसी मेथड से वेट नहीं लूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स उन्हें बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑपरेशन का डर उनके अंदर इतना ज़्यादा है, वो सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं और किसी और मेथड से वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरी को अवॉइड कैसे करें, इसका एक आंसर है बलून्स के ज़रिए। पिछले बहुत सालों से डिफरेंट बलून्स रिकमेंडेड हैं जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इन बलून्स में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता, आपके मुँह से ही हम एक बलून पेट के अंदर डालते हैं। बलून डालने से पहले डिफ्लेटेड रहता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं भरा रहता, बहुत छोटा सा होता है, और हम उसको पेट के अंदर डालने के बाद उसके साथ जुड़े हुए एक कैथेटर से उसमें फ्लूइड फिल करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बलून्स डिफरेंट फ्लूइड से फिल किए जाते हैं, एंड आफ्टर अ वाइल जब पेशेंट अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, इन्हें इधर निकाल दिया जाता है या कुछ बलून्स अपने आप ही पास हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हर एक पेशेंट में फिर ये बलून क्यों नहीं डाल दिया जाता, बेरियाट्रिक सर्जरी का अगर एक अच्छा अल्टरनेटिव है तो फिर बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी ही क्यों है। ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी अच्छी रहती है, लेकिन अगर वो नहीं करवाना चाहते हैं इसके लिए वो बलून डाल सकते हैं, या फिर आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, यानी BMI इज़ लेस देन 32.5, या आपका BMI ज़्यादा है और अब बलून से डरते हैं, इन दोनों कंडीशंस में आप बलून डलवा सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत कम पेशेंट्स जो वाकई ही बेरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट हैं वो इवेंचुअली बेरियाट्रिक सर्जरी ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनके मन में ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा डर बना रहता है। सो अगर आपका BMI रीज़नेबल है, यानी BMI 30 से लेकर लेट अस से लेस देन 40 है, और आप 10-15% मैक्सिमम 20% वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो बलून से इतना वेट लॉस यूजुअली संभव होता है। अगर आपका BMI इससे भी ज़्यादा है और फिर भी आप बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, फिर भी आप बलून की मदद से कुछ हद तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एक बलून यूजुअली 10-20% तक का वेट लॉस देता है, और कुछ केसेस में बलून रिपीट भी की जा सकते हैं। अगर आप रिपीट ना भी करवाएं, तब भी अगर आप बेरियाट्रिक या बलून नहीं डलवाते हैं, तब आपका वेट लगभग उतना ही रहेगा जो एग्जिस्टिंग वेट है, और बलून से एटलीस्ट 10-20% वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप वेल कमिटेड हैं, लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, डाइट एज रिकमेंडेड लेते हैं, डाइटिशियन का कहा मानते हैं, और साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स बलून के साथ भी 20% से ज़्यादा भी वेट लॉस कर पाएंगे। आजकल एक नया डिवाइस है जिसे हम स्वेलो पिल के नाम से जानते हैं। एल्यूरियन कंपनी का ये पिल है, जिसको डालने के लिए पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता। ये एक कैप्सूल की तरह है, आप OPD में बैठकर इसे पानी के साथ स्वेलो कर सकते हैं, और उसके बाद हम एक्सरे में चेक करके कि क्या ये वाकई ही आपके पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर चला गया है, उसके साथ ही हम इसे फिल कर देते हैं फ्लूइड से, और जो कैथेटर है उसको हल्का पुल करने से वो बलून से डिटैच हो जाता है और बलून आपके अंदर रह जाता है। ये लगभग 5 महीने तक आपके पेट में रहेगा। इसका मटेरियल बहुत थिन होने की वजह से ये बड़ा अच्छा टॉलरेट होता है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि 5 महीने के बाद, यानी लगभग जब 5 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, ये अपने आप ही इसका वैल्व खुलने के बाद ये स्टूल्स में पास हो जाएगा और आपको इसे निकलवाना भी नहीं पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें आपको एक एडवांस वेट ट्रैकिंग मशीन और एक हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस भी मिलेगी, और 6 मंथ्स तक डाइटिशियन आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका सारा डेटा ये अपने आप ही ऑनलाइन हमारे पास ट्रांसफ़र करता रहेगा। इसका डाउनसाइड यह है कि ये नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी कॉस्ट दूसरे बलून्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा है, और इसका ड्यूरेशन 5 महीने तक का ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे दोबारा डलवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर और वेट लॉस की ज़रूरत है। अगर आप इन सभी बलून्स यानी इंट्रागैस्ट्रिक बलून और स्वेलो पिल को बेरियाट्रिक सर्जरी से कंपेयर करें,
तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक परमानेंट मॉडिफिकेशन है बॉडी के अंदर, यानी हम जो भी आपका स्टमक छोटा करेंगे या इंटेस्टिन को बाईपास करेंगे वो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ रहेगा। इसे आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से देख सकते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि जो भी आपके अंदर चेंज हुआ वो बची हुई लाइफ आपके साथ रहेगा और आपको वेट मेंटेन करने में आसानी होगी। लेकिन नेगेटिवली जो भी इसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होगा, यानी जो आपको विटामिन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, वो सप्लीमेंट्स भी आपको फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ लेने पड़ेंगे। तो कुछ पेशेंट्स इसे पॉजिटिवली देखते हैं, कुछ पेशेंट्स इसे नेगेटिवली देखते हैं। हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स की थॉट प्रोफाइल लगभग फिक्स होती है, वेरी क्विकली दे डिसाइड कि उन्हें ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना। सो अभी ये दोनों तरफ ही एक एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप परमानेंटली अपने डाइजेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और आपको ऑपरेशन से डर नहीं लगता, तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। उसमें भी कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, दीज आर वेरी सेफ दीज डेज, और हॉस्पिटल स्टे हार्डली 2 दिन का रहता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी पर कोई भी कट नहीं लगवाना चाहते, परमानेंटली बॉडी में कोई चेंज नहीं चाहते, आपकी विल पावर अच्छी है, आप बॉडी को बलून्स के जरिए ठीक कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बलून्स। इंट्रागैस्ट्रिक बलून्स हैं जो एंडोस्कोपी के लिए डाले जाते हैं, या स्वेलो पिल है जो बिना किसी एंडोस्कोप के भी आप स्वेलो कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस। वेट कम करना ज़रूरी है, कुछ भी ना करें और उसी वेट को कैरी करते रहें वो सबसे ज़्यादा घातक होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके आसपास लोगों के लिए। बॉडी में वेट ज़्यादा होने से हर सेकंड डैमेज हो रहा है, आपके हर ऑर्गन को ज़्यादा वेट की वजह से डैमेज हो रहा है। आपका हार्ट, लिवर, किडनी जितने वेट के लिए बने हैं उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको क्विकली एक्ट करना चाहिए और जो भी ऑप्शन आपको बेटर सूट करती है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। आई होप ये वीडियो देखकर आपको बलून्स के बारे में और उसका कंपैरिजन एज़ कम्पेयर टू बेरियाट्रिक सर्जरी इसके बारे में कुछ आइडिया मिला होगा और अपना डिसीजन पहले से अच्छी तरह से ले पाएंगे। थैंक यू।